Hello my dear students, welcome once again in my YouTube channel. I think you all know we are discussing this video series for class 10th students. So students, you all know we are discussing excretory system nowadays. In my last video we have discussed about the basics of excretion as well as what is osmoregulation. So in this video tutorial I am going to discuss about the parts of excretory system. How many parts are there in excretory system? And we are discussing about human beings especially. We are discussing about human beings students. So, hum log dekhte hain ki human beings mein kaun kaun se excretory system mein part hote hain. So, pehla point main aapko batana chahungi ki we have two kidneys. How many kidneys we have students? Two kidneys. And second is two ureters. We have and you can write here one from each kidney. हर एक किडनी से एक यूरेटर अटैच होगा. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो एक यूरिनरी ब्लैडर होता है. यूरिनरी ब्लैडर. और नेक्स्ट पॉइंट है एक होता है यूरेथ्रा. वन यूरेथ्रा एंड वन यूरिनरी ब्लैडर. तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करने वाली हूँ स्टूडेंट्स. आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे. आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर. ओके, सो आई थिंक यू ऑल नो किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर इन दिस वे. ओके, वी हैव टू किडनीज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड राइट किडनी एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट किडनी. ओके, with this kidney ureters are attached. Two ureters are here. I told you two kidneys and two ureters. And finally all the urine will get collected in a pouch like structure which is called urinary bladder. These are called ureters. And a small opening is present here which is called as urethra. Now I will tell you one vein and one artery is connected here. Like you can write here, I'm using different color again here. Again, I'm using red color. Okay. So renal vein, and renal artery. In this way, renal vein and renal artery are also connected. तो क्या होगा कि जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है वो ब्लड को लेकर आ रहा है डॉर्सल एओर्टा के थ्रू. रीनल आर्टरीज होंगी, ये लेफ्ट किडनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे. और इस साइड पे हमारा ये जो है रीनल वेन है. आप लिख सकते हैं रीनल वर्ड बेसिकली हम लोग किडनी के लिए यूज करते हैं. रीनल वर्ड, रीनल रिफर्स फॉर किडनी, किडनी आप ऐसा लिख सकते हैं. मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताया है कि पल्मोनरी वर्ड हम लोग स्पेशली लंग्स के लिए यूज करते हैं, हेपेटो वर्ड हम लोग लिवर के लिए यूज करते हैं, कार्डियो हम लोग हार्ट के लिए यूज करते हैं. तो एक्चुअली स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि बायोलॉजी इतना इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है जिसमें आधी चीजें तो टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर हो जाती है. अगर आपको उस टर्म का मतलब पता है तो आप आधे आंसर पे पहुंच चुके होते हैं. तो चलिए बात करते हैं कि किडनी क्या है. ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है. पहली बात तो मैं किडनी में आपको स्पेसिफाई कर दूं. यहाँ पे आई वॉन्ट टू हाईलाइट सम पॉइंट्स स्टूडेंट्स. हियर वी हैव टू किडनीज, ओके, टू यूरेटर्स एंड वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा. नाउ यू हैव टू राइट हियर टू किडनीज, दीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन. आप ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है नेम द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, तो आप बता सकते हैं वो किडनी होगी. मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, ओके, ह्यूमन. और किडनी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगी और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी एक्सक्रीट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ, आप सबको पता है किडनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. और यूरेटर हमारे हर एक किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में, ये यूरेटर्स. एंड यूरिन आर फॉर्म्ड इन द किडनी, पास आउट इन टू द यूरेटर विच कैरी यूरिन टू द ब्लैडर. आप ऐसा कह सकते हैं जो किडनी ने यूरिन बनाई है वो ब्लैडर के थ्रू, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट होगी. और ब्लैडर एक स्मॉल स्टोरेज सैक है जो कि यूरिन को कलेक्ट करेगा फ्रॉम बोथ द यूरेटर्स.
और इसी ब्लैडर में यूरिन जो है वो टेम्परेरी स्टोर होगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, और ये रिलीज हो जाएगी मस्कुलर ट्यूब स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। और अगर हम लोग यूरेथ्रा की बात करें तो यूरिन इज थ्रोन आउट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड यूरिनरी ओपनिंग। ये एक यूरिन इज आप ऐसा लिख सकते हैं, यूरिन इज थ्रोन आउट थ्रू एन ओपनिंग, और वो जो ओपनिंग है उसका नाम है स्टूडेंट्स यूरिनरी ओपनिंग। और यूरेथ्रा एक स्मॉल मेम्ब्रेनस ट्यूब है जो कि यूरिन को कैरी करता है इंटरवल्स में फ्रॉम यूरिनरी ब्लैड। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे फिर से एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर पेन अगेन। हम लोग डिफरेंट कलर ले लेते हैं, मैं ब्लैक ले लेती हूँ यहाँ पर। हर एक किडनी जो है वो ब्लड को रिसीव करती है किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू। किडनी ब्लड को रिसीव कर रही है किसके थ्रू, रीनल आर्टरीज के थ्रू फ्रॉम डॉर्सल एओर्टा। कहाँ से, फ्रॉम डॉर्सल एओर्टा। आपको पता है एओर्टा इज द मेन आर्टरी, और वो सेंड आउट कर रही है रीनल वेन के थ्रू टू इंफीरियर वेना कावा विच टेक्स दिस ब्लड टू हार्ट। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन, जिसका एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन, इसको हम लोग मिक्चुरेशन बोलेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जो किडनी के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक फिनिश करेंगे। यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन से हार्मोन से जो रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं, यूरिन का क्या कंपोजिशन होता है, डायलिसिस क्या होती है। तो अब आप सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर माई वीडियोज एज मोर एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, so that they can also be able to understand topics of biology very well. So once again students, thank you very much for continuous support. I hope we will meet soon students. Bye bye.